आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, थावरचंद गहलोत सहित भाजपा के 4 प्रत्याशी और कांग्रेस के राजमणि पटेल निर्विरोध निर्वाचित। गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि महिला अपराधों पर अंकुश न लगाने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। होशंगाबाद जिले के बांद्राभान में कल से शुरू होगा पंचम नदी महोत्सव और प्रदेश भर में उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए निर्वाचन में आज भाजपा से केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, धर्मेंद्र प्रधान, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी और कांग्रेस से राजमणि पटेल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत आज दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी का समय निर्धारित था। एक भी प्रत्याशी के नाम वापस नहीं लिया। 5ों के निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक घोषणा दोपहर बाद कर दी गई। विधानसभा परिसर में बनाए गए राज्यसभा निर्वाचन कार्यालय में भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री श्री गहलोत और श्री प्रधान के प्रमाण पत्र उनके प्रतिनिधियों को दिए गए। वहीं भाजपा के 2 अन्य प्रत्याशी श्री सिंह और श्री सोनी ने प्रमाण पत्र स्वयं हासिल किए। कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री राजमणि पटेल भी अपना प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए मौजूद थे। गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं पर आज चिंता जताते हुए कहा कि राजधानी में पदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कहा गया है और ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने विधानसभा परिसर में मीडिया के सवाल के जवाब में स्वीकार किया है कि हाल ही में भोपाल में महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। राज्य सरकार ने पुलिस प्रशासन को ऐसी घटनाएं रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। यदि इस पर अमल नहीं हो पाता है तो संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक 21 मार्च को होगी। ये बैठक विधानसभा परिसर में आयोजित होगी। बैठक में नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री भी शामिल होंगे। नगर पालिक निगम इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल के महापौर को भी बैठक में बुलाया गया है। प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में बताया कि राज्य में पिछले करीब 1.25 साल में 32 बाघों की मौत हो गई है। हालांकि इसमें वरिष्ठ स्तर से कोई गंभीर लापरवाही नहीं पाई गई है। भाजपा विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार के सवाल के लिखित जवाब में वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाघों की मौत के अधिकतर मामले प्राकृतिक, 2 बाघों के बीच लड़ाई और बीमारी से संबंधित हैं। प्रदेश में स्कूल शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए शिक्षण सत्र 2018-19 में 960 सरकारी स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा। इस शिक्षण सत्र में 340 सरकारी हाई स्कूलों का हाई सेकेंडरी स्कूल में और 620 सरकारी मिडिल स्कूलों का हाई स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को राज्य सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मैहर में नवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। यहां 18 से 31 मार्च तक आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्र मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी। सतना जिले की मां शारदा की नगरी मैहर में 18 मार्च से प्रारंभ हो रहे चैत्र नवरात्रि मेला में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु मैहर पहुंचकर मां शारदा देवी के दर्शन लाभ लेते हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें रेल प्रशासन ने मैहर रेलवे स्टेशन पर 34 यात्री ट्रेनों का 2 मिनट का अस्थायी स्थापन दिया है। साथ ही अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया गया है। वहीं जिला दंडाधिकारी मुकेश कुमार शुक्ला ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 12 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो सके। प्रादेशिक समाचार के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। होशंगाबाद जिले के बांद्राभान में पंचम नदी महोत्सव कल से शुरू होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं नदी विकास मंत्री नितिन गडकरी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव के पहले दिन समानांतर चर्चा होगी। नदी महोत्सव में नदी संरक्षण और नदी पर चर्चा होगी। सत्र में नदी किनारे की संस्कृति और समाज, नदी कृषि और आजीविका का परस्पर संबंध, नदी का अस्तित्व और जैव विविधता तथा सहायक नदियों का संरक्षण, नीतियां, नियम और संभावनाओं पर विचार विमर्श होगा। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश के करीब 350 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है। महोत्सव का समापन 17 मार्च को होगा। आज विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल हाट में किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न शासकीय विभागों और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। धार जिला मुख्यालय के ITI कॉलेज में परिचर्चा और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। शिवपुरी, डिंडौरी, रायसेन सहित अन्य जिलों से भी इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिले हैं। शहीद सैनिकों के परिजनों और भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में सराहनीय योगदान के लिए रायसेन जिला कलेक्टर को राज्यपाल ने सम्मानित किया है। जिला कलेक्टर भावना वालिम्बे ने जिले को आवंटित निर्धारित लक्ष्य से अधिक राशि एकत्रित कर सैनिक कल्याण बोर्ड को दी है, जिसको लेकर आज राजभवन में कलेक्टर को सम्मानित किया गया। खंडवा जिले में समाधान ऑनलाइन एक दिन योजना के तहत अभी तक जिले में लगभग 2000 आवेदकों को सेवाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। सभी तहसील मुख्यालयों के लोक सेवा केंद्रों पर 7 मार्च से ये योजना लागू है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता। सरकार द्वारा सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समाधान एक दिन में सेवा प्रारंभ की गई है, जिसमें लोक सेवा केंद्र के माध्यम से लोगों को मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खसरा नक्शा सहित 45 सेवा प्रदान की जा रही है। लोक सेवा शाखा के जिला प्रबंधक शैलेंद्र सिंह जाधव ने बताया कि खंडवा जिला मुख्यालय पर गत 5 फरवरी को समाधान एक दिन सेवा प्रारंभ की गई थी। इसके साथ ही खंडवा जिला मुख्यालय सहित सभी तहसील मुख्यालयों के लोक सेवा केंद्र पर 14 विभागों की कुल 45 सेवा प्रदान की जा रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह हर महीने प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की 42वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार और सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप तथा MyGOV के ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में जल संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए आज से 7 दिवसीय जल चेतना सप्ताह मनाया जा रहा है। डिंडौरी जिले में हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम में बदलाव आया है। देवास जिले में 15 देशों के सोलर अलायंस प्रतिनिधियों ने आज सोलर ऊर्जा यूनिट का निरीक्षण किया। टीकमगढ़ जिले में 31 मार्च तक रजिस्ट्रार कार्यालय प्रतिदिन खुलेगा। दरअसल 1 अप्रैल से गाइडलाइंस में बदलाव होना है, जिसके लिए ये आदेश दिए गए हैं। खरगोन में घरेलू गैस सिलेंडर लीक होने से एक मकान जलकर राख हो गया है। शिवपुरी जिले के ITI केंद्र में आज नेशनल करियर सर्विस के तहत 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया गया। बैतूल में 17 मार्च से 19 मार्च तक जनजातीय महोत्सव आदिरंग आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, थावरचंद गहलोत सहित भाजपा के 4 प्रत्याशी और कांग्रेस के राजमणि पटेल निर्विरोध निर्वाचित। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि महिला अपराधों पर अंकुश न लगाने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। होशंगाबाद जिले के बांद्राभान में कल से शुरू होगा पंचम नदी महोत्सव और प्रदेश भर में उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।